बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चैप्टर नंबर 53 स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले इनकी जनरल कि मतलब हियरिंग सिस्टम किस तरह वर्क करता है इसको पढ़ते हैं। सही है, सबसे पहले आते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर, जिसमें ये एक्सटर्नल पिनाई है। सही है, और फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके नीचे वाला पार्ट जो होते हैं वो थोड़ा थिक सिस्टम से बना होता है, और जो सुपीरियर पार्ट होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, थिन होते हैं। सही है, तो ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा, और ये जो मेम्ब्रेन आगे दिखाई देते हैं ना, ये म्यूकोसा लेयर है। सही है, फिर मिडल ईयर आ जाते हैं। मिडल ईयर में तीन बोन्स होती है। सबसे पहले ये वाला जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ये हैंडल होता है और ये हेड होता है। ये मिल्यूलस है, और फिर इसके आगे ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एनकस, और फिर इसके आगे ये वाला जो है ये क्या है, स्टेपीज है। अब ये जो बीच वाला होता है ये इस तरह इस बेस से अटैच होता है, और फिर ये आके इस तरह दो ब्रांच देते हैं, और इसको ये वाली चीज जो अटैच होती है इसको बोलते हैं फूड प्लेट अप स्टेपीज, और ये जो ओपनिंग होता है इसको कहते हैं ओवल वेंडो। सही है, और फिर ये आगे कॉकलियर सिस्टम होता है। ये मैंने सिर्फ एक सर्कल रखे, लेकिन ये बहुत सिमिलर इस तरह सर्कुलर सिस्टम होता है। सही है, जिस तरह यह एक बुक, इस बुक में ये वाला है, ये वाला। अब बात यह है ना कि जब साउंड वेव्स आ जाए, ये एक्सटर्नल पिनाई ऑफ द ईयर जो होते हैं ना, ये बहुत वाइड होता है, ये सबके सबको क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ये पास कर देते हैं इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के जरिए इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो जाएगा, मतलब ये कि ये जो साउंड वेव्स थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, ये क्या वाइब्रेटरी मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट हो जाए। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इस हैंडल को वाइब्रेट करता है इस तरफ, और फिर ये जो हेड होता है ये इस तरफ वाइब्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनकस मून जो होते हैं फिर ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इस बून के वाइब्रेशन का मकसद ये होता है कि ये जो सिग्नल आया है साउंड वेव्स का, यहाँ पर ये वाइब्रेशन उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। ये बून फिर सिग्नल देते हैं स्टेपीज को, स्टेपीज थ्रू द फूड प्लेट दे देते हैं कॉकलियर सिस्टम को, जहां पर यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, और यहाँ पर एक सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कार्टाई। ये क्या करते हैं कि यहाँ की जो मैकेनिकल वाइब्रेशन था उसको कन्वर्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल में। सही है, अब जब इसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, फिर इस कॉकलियर सिस्टम से एक नर्व जाता है जिसको बोलते हैं कॉकलियर नर्व। ये कॉकलियर नर्व हमारे ब्रेन स्टीम में डोर्सल कॉकलियर न्यूक्लिया, वेंट्रल कॉकलियर न्यूक्लिया तक जाता है, जहां पर फिर क्रॉसिंग हो जाती है जिसको ट्रेपेजॉइड बॉडी कहते हैं, और फिर ऊपर इन्फीरियर कोलिकुलस की तरफ जाते हैं। इनको फिर बोलते हैं लेटरल लेमिनेस्कस, फिर इन्फीरियर कोलिकुलस से जाता है ये मीडियल जिनुकुलेट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, जिसको इन फाइबर्स को बोलते हैं इन्फीरियर ब्रेकम, और फिर इन्फीरियर मिडिल जिनुकुलेट न्यूक्लियस से आगे ये जाता है कहां पर, हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से, जो कि टेम्पोरल बोन में है। सही है, तो अब जनरल ओवरव्यू क्या है, वेव्स आगे साउंड वेव्स, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ने उसको वाइब्रेशन में चेंज किए, फिर इस वाइब्रेट इस बोन्स सिस्टम ने क्या किया, इनको का जो वाइब्रेशन था उसको बहुत ज्यादा क्या किया, एम्पलीफाई किया, फिर इसको दे दिया किस कॉकलियर सिस्टम को, कॉकलियर सिस्टम के फ्लूइड को वाइब्रेट किया थ्रू द फूड प्लेट ऑफ द स्टेपीज, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एक्शन पोटेंशियल को थ्रू द ऑर्गन ऑफ कार्टाई, और फिर ये कॉकलियर नर्व के थ्रू गए कहां पर, हमारे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। अल्लाह हाफिज। और इसी तरह फिर यहाँ पर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से फिर एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, ये क्या करते हैं एनालिसिस ऑफ द साउंड कर देते हैं, और फिर हमें पहचान लेते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, मतलब गाना सुन रहे हैं या किसी और की आवाज सुन रही है, लेक्चर सुन रही है वगैरह वगैरह।